देश की राजधानी में शीतलहर, कोहरा और बारिश के बीच कल यानी बीते गुरुवार दोपहर को गुनगुनी धूप से लोगों को काफी राहत मिली। दरअसल दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि यहां पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने के साथ सुबह शाम अधिक ठंड होने की संभावना जताई गई है। वहीं आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट हिमपात हो सकती है। उत्तराखंड में भी बीते कई दिनों की तुलना में कल यानी गुरुवार को मौसम साफ बना रहा। देहरादून में सुबह 9 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, लेकिन इसके बाद अच्छी धूप भी खिल गई। मौसम खुलने और धूप खिलने की वजह से लोगों ने ठंड से कुछ राहत की सांस ली। आईएमडी के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे के हालात बने रह सकते हैं। गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का कहना है कि मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाएं चलने से प्रदेश के कुछ हिस्से आज भीषण शीतलहर की चपेट में रहे और राज्य के रायसेन जिले में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिहार में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा का प्रवाह है। इसके साथ उत्तर पछुआ हवा भी बह रही है। ऐसे में पटना मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति के आसार हैं। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। घर से निकल रहे हैं तो फिर अच्छे से शरीर को ढककर ही निकले जाने में ही भलाई है। राज्य में 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसे बात करें अगर मुंबई की, तो मुंबई के तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। मुंबई में समंदर होने के कारण यहाँ न बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और न बहुत ज़्यादा गर्मी। पूरा उत्तर भारत ठंड से कांप रहा है, तो वहीं मुंबई में भी अभी तक 6 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी तरह पंजाब और राजस्थान में भी अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भी कई जगहों पर शीत लहर और शीत दिवस चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। फिलहाल आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काफ़ी ठंड पड़ेगी। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रहेगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।